एंड जो मॉड ऑफ जी जेड है वो लेस देन है मॉड ऑफ एफ जेड से ऑन सी यहाँ पे ऑन सी भी हो सकता है और एट ईच पॉइंट ऑफ सी भी हो सकता है ठीक है ऑन सी यहाँ पे देन जो एफ जेड है एंड सम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड यहाँ से ये हटा देना है देन एफ जेड एंड सम ऑफ मॉड ऑफ़ एफ एवजेट प्लस जी जेड नंबर ऑफ जीरोज़ इन साइड सी सो ये हो गया स्टेटमेंट कि हमारे दो फंक्शन है एवजेड एंड जी जेड जो कि क्या है एनालिटिक हैं विद इन एंड ऑन ए क्लोज करव सी और ये बता दिया गया है कि मॉड ऑफ जो जी जेड है वो लेस देन है मॉड ऑफ एवजेट से यानी मॉड ऑफ जी जेड फंक्शन है वो छोटा है मॉड ऑफ एवजेट फंक्शन से ऑन सी पे तो देन हमें क्या प्रूव करना है देन एवजेट और मॉड ऑफ एवजेट प्लस जी जेट का जो सम होगा हैव सम नंबर ऑफ जीरोज़ इनसाइड सी तो प्रूविंग जो है इसकी वो यहाँ से कि पहली चीज़ जो है कि मॉड ऑफ जी जेड क्या है वो लेस देन है मॉड ऑफ एवजेट से ये तो स्टेटमेंट से हमें इतना गिवन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जीजेड अपॉन एवजेट इज़ लेस देन वन मतलब इसको पूरे को एवज मॉड ऑफ एवज से डिवाइड कर दिया सो so यहाँ से ये होगा इक्वेशन नंबर वन आपको इसे इक्वेशन नंबर वन मैंशन कर देना है और ऑन सी कहाँ पे सी पे जैसा कि ये लाइन अभी तक हमारे स्टेटमेंट से ही हमने ले रखी है देयर फॉर क्या हो जाएगा इसलिए जो मॉड ऑफ़ एफजेड है वो डजेंट इक्वल्स टू जीरो होगा अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनी बन जाएगा तो उससे ये सॉल्व नहीं होगा तो इस वजह से मॉड ऑफ एफजेड डजेंट इक्वल्स टू ज़ीरो सो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे इस वाली लाइन का कॉन्सिक्वेंसेज लिखा है अदरवाइज जीजेड अपॉन एवजेड मॉड विल बी इन्फिनीटी मतलब क्या हो जाएगा अगर ये एवजेट जो है वो डज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो जो एवज F... ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी एंड नॉट लेस देन वन और क्या हो जाएगा वन से छोटा भी नहीं रह जाएगा अदरवाइज़ ये मतलब इस वाली लाइन का पूरा कॉन् कॉन्सिक्वेंसेज लिख दिया है तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना है लेट कर लेते हैं कि जो ये स्मॉल जी जेड और एफजेड था इसको हमने कैपिटल एफजेड लेट कर लिया है सो फ्रॉम इक्वेशन वन इस वाली वैल्यू में इक्वेशन वन में हम हम ये जी जेड और एफजेड की वैल्यू को पुट कर देते तो यहाँ से हमें मिलता है मॉड ऑफ एफजेड इज़ लेस देन वन ऑन सी ये इक्वेशन नंबर वन वाली ही लाइन को हमने इस वे में एक्सप्रेस कर दिया है अब यहाँ से एक लाइन लिखनी है आपको कि इफ़ इट फॉलोज दैट जी जेड एंड एफ जेड आर नॉट ज़ीरो ऑन सी ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो जी जेड है और एफ़ जेड हैं वो नॉट जीरो हैं सी पे मतलब सी पे वो ज़ीरो नहीं होंगे तो क्या करना है मॉड ऑफ uh, ये जो एफ जेड इज़ इक्वल्स टू जी जेड अपॉन एफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया नेक्स्ट पेज पे इनके जो फंक्शन है इसको रिमूव कर दिया है और हमने इसको कुछ इस टाइप से लिख दिया है यहाँ पे से कैपिटल एफ़ इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल जी अपॉन स्मॉल एफ़ इसको क्या किया है हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया स्मॉल जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल एफ़ इंटू स्मॉल एफ अब इसमें दो फंक्शन है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जी डैश हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ये इतना लिख करके आपको रख लेना है अब यहाँ से क्या करना है हमें लेट कर लेंगे जो एन वन एंड एन टू है ये हमारे नंबर हैं ऑफ़ ज़ीरोज़ के ठीक है एंड ऑफ एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड के मतलब एन वन जो है वो एफ जेड को रिप्रेजेंट करेगा एफ एन वन जो है वो एफ़ जेड का जीरो है और एन टू जो है वो एफ जेड प्लस जी जेड का जीरो है इन साइड सी के लिए तो यहाँ से ये यह हमें कॉची जो फार्मूला होता है कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे एन वन इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन्ट टू बाई आई यहाँ पे होता है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड तो और इसको अभी जैसे हमने एक पीछे ये वाली फॉर्म लिख रखी थी इसमें क्या करते हैं फंक्शंस को रिमूव करके सिंगल सिंगल वैल्यू में लिख देते हैं अब आते हैं एन टू पर तो जो एन वन था बेसिकली वो हमने यहाँ पे बता रखा था कि वो एफ जेड के लिए था और जो एन टू है वो एफ जेड प्लस जी जेड के मतलब एन वन का फंक्शन एफ जेड है और एन टू का फंक्शन एफ जेड प्लस जी जेड है मतलब सम है इसका तो यहाँ पे वही कर दिया फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अपॉन फंक्शन और डी जेड फिर इसका ये जो जेड वेरिएबल है वो हटा करके हमने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे इसको इक्वेशन डाल सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दीजिए और यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं ऑन सब्टिंग इक्वेशन इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री सो यहाँ से एन टू माइनस एन वन को हमें सॉल्व करना है तो एन टू जो हमारी ये वाली वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे पहले लिख लिया है देन हमने इसमें से एन वन जो हमारी इक्वेशन नंबर टू थी उसको यहाँ पे लिख लिया है और इसको सब्टेक्ट कर दिया है यहाँ से क्या करना है जी डैश की वैल्यू पुट कर देनी है और जी डैश था क्या और मतलब ये ये यहाँ स्टार्टिंग से हमने अभी निकाला था जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ स्मॉल एफ और जी डैश की जब वैल्यू निकाली थी ऑन डिफ्रेंसीशन देन वी विल गेट दिस वैल्यू तो इन दोनों वैल्यू का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ जहाँ जी डैश था वहाँ पे हमने ये लिख दिया आ, वहीं जो डिफ्रेंसीशन था और जहाँ सिंग जो स्मॉल एफ़ और कैपिटल एफ लिख दिया और इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है इसको एज इट इज़ आपको नोट कर देना है देन यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे इन दोनों में एफ डैश कॉमन है और यहाँ पे स्मॉल एफ कॉमन है तो वो हमने कॉमन निकाल लिया है इसको फिर एज इट इज़ लिख देना और इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं फिर इसको दोनों में हमने क्या है ये हमारा डिनोमिनेटर है तो इसको इसके भी नीचे लिख सकते हैं इसके भी नीचे लिख सकते हैं जब इसके नीचे लिखेंगे तो वन प्लस एफ़ से वन प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा एफ़ डैश अपॉन एफ़ ये लिख दिया हमने यहाँ पे और डी जेड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब इसके नीचे रखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल एफ़ से ये वाला एफ़ कैंसिल हो जाएगा तो एफ़ डैश अपॉन वन प्लस एफ डी जेट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी देन इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए ध्यान से कि जो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे देन यहाँ पे बचता क्या है वन अपॉन टू पाई आई और कर्व इंटीग्रेशन एफ़ डैश अपॉन वन प्लस एफ डीजेट और यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर है कि वन प्लस एफ इक्वल्स टू जीरो इफ़ इट विल इक्वल्स टू जीरो देन इट विल गिव द वैल्यू ऑफ़ इन्फिनिटी सो so, ये इस पूरे की वैल्यू इंफाइनइट हो जाएगी जो कि जिससे ये हमें डिफाइन ही नहीं होगा हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे देन ये हमें चीज़ स्टार्टिंग में पता थी कि मॉड ऑफ एफ जेड क्या है लेस देन वन है ऑन सी पे सो so, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एफ जेड इज़ एनालिटिक सो एफ डैश जेड इज़ ऑल्सो एनालिटिक मतलब ये होता ही अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरेवेटिव भी एनालिटिक होगा यही हमें स्टार्टिंग से प्रूफ करना था तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉइंट टू पाई आई कर्व इंटीग्रेशन एफ डैश अपॉन वन प्लस एफ डीजेड इज इक्वस टू जीरो बाय कोचिज थ्यूरम तो एन टू माइनस एन वन की वैल्यू जीरो हो गई ये पूरे की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि एफ डैश अपॉन वन प्लस एफ डी जेट की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ से एन टू इज इक्वल टू एन वन यहाँ हम कह सकते हैं कि एन वन इज इक्वल टू एन टू सो विच प्रूव द थ्यूरम यही हमें थ्यूरम प्रूव करनी थी कि जो एन वन और एन टू जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लेट किए थे आपके सामने ये लेट किए थे यहाँ पे ये लेट एन वन एंड एन टू बी दी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ़ एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड यही लाइन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रखी थी कि हमें प्रूफ करना था कि एफ जेड एंड जी जेड क्या होने चाहिए ये ये वाली लाइन थी हाँ एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड है ऑफ जीरोज इन साइट सी उसमें कुछ नंबर ऑफ़ जीरोज़ होने चाहिए इन साइट सी में तो वहीं हमें यहाँ पे प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया है और इसकी क्लियर पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा मैथमेटिक्स इंक्वायरी उधर दे दूंगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं सो टिल देन टेक केयर एफरीबन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में